आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हेलो, हाँ मुख्य न्यायाधीश जी को फोन दीजिएगा। जी जी हाँ, मैं ब्रजभूषण दुबे सामाजिक कार्यकर्ता और जन सांसद बोल रहा हूँ जी, वाराणसी से। हाँ सर, फोन मिलाया जा सकता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश देश के लिए ही न है, लोकहित के कामों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और दूरभाष से भी अपनी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। जी हाँ, विनम्रतापूर्वक चाहूँगा कि आप उन्हें फोन दीजिए। जी जी हाँ जी हाँ, ब्रजभूषण दुबे। जी सादर प्रणाम श्रीमान जी, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है, गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है। वाराणसी में हमने जन सांसद की शपथ लिया है। अब जी 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 सुना है श्रीमान जी आप वाराणसी आ रहे हैं, आज वाराणसी आपका आना हो रहा है। जी 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 तो वाराणसी आप गंगा आरती में भी शामिल होंगे। सर पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन अधृष्टता को क्षमा करिएगा जी। हमारा अनुरोध है श्रीमान जी की गंगा के कुछ घाटों का भी आप अवलोकन कर लें। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपसे लोग डरते हैं और कानून की मर्यादा को ठीक से आपने प्रतिष्ठापित किया है। हमारा अनुरोध है सर, दो स्थान जरूर देख लें प्लीज सर। जी जी बता रहा हूँ सर, एक तो जहाँ गंगा आरती में शामिल होंगे, एक तरफ असी और गंगा का संगम है। असी पवित्र नदी है, 52 तालाबों से होकर के गुजरती हैं, अधिकांश तालाब पाट दिए गए हैं और नदी अब नहीं रही, वह केवल नाले के रूप में लोग जानते हैं। असी नाला ऐसे कहते हैं लोग। कभी उस नदी में लोग स्नान करते थे, अब इतना इंक्रोचमेंट हो गया है कि नदी का पूरा स्वरूप खत्म हो गया है जी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अच्छा आपने देखा था। सर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने वीडियो देखा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जी 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 अच्छा, वह वरुणा और गंगा का संगम भी आपने देखा है। अच्छा जी हाँ जी हाँ, वरुणा तो भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली हैं, प्रयागराज के फूलपुर से चल करके जौनपुर होते हुए गंगा में मिलती हैं और वहीं आदिकेशव घाट है श्रीमान जी, जहाँ भगवान विष्णु शिव जी के बुलाने पर आए थे और गंगा जी ने उनका पांव पखारा था। आदिकेशव मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है श्रीमान जी। दोनों नदियाँ मर गई हैं जी 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 जी। अब तो खड़ा हूँ पहनता हूँ, अब कष्ट क्या होगा सर, कम से कम याद रहेगा कि एक संकल्प लिया है। जब तक गंगा में गिरने वाले नाले बंद नहीं हो जाते हैं तब तक इस संकल्प को धारण किए रहूंगा जी। संभव है अगली पीढ़ी आए कुछ करे, लेकिन जिंदा कौन है, कुछ न कुछ तो करना। और हुजूर, यह तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो नागरिक कर्तव्य है संविधान के 51 क में, हम उसी का पालन कर रहे हैं जी। और नदियों के लिए, हाँ जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, 20,000 करोड़ तो 2014 में ही रिलीज हुआ था, कहाँ गया सर। और नदियाँ वैसे ही हैं, बनारस में गंगा ऐसी हैं तो और कहाँ जी जी जी। NGT तो कर रहा है श्रीमान जी, लेकिन सामान्य लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते। पहले तो लोग टोका टाकी करते थे, अब तो बस सोशल मीडिया तक ही अपने आप को सीमित कर लिए हैं जी जी। प्रोटोकॉल तो है, आप उसे तोड़ नहीं सकते ना। ठीक है, आपके अनेक माध्यम होंगे श्रीमान जी, आप कम से कम गंगा में गिरते हुए नालों को दिखवा लें। अगर गंगा जी में वैसे ही नाले गिर रहे हैं, दो संगम वैसे ही हैं, कूड़े का अंबार है, गंगा की तलहटी में पॉलीथीन पड़ा हुआ है, पॉलीथीन पर इतनी बार प्रतिबंध लगने के बाद भी कोई असर नहीं है, लगातार मंडियों में, ठेले पर, सब्जी की। जी 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 हम टोका टाकी करते रहते हैं सर, तो लोग गाली देते हैं, कहते हैं कि आप कंपनियों पर क्यों नहीं जाते, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनको क्यों नहीं बंद कराते। आप ठेले वाले से कहते हैं, सब्जी वाले से कहते हैं, खोमचे वाले से कहते हैं, तो आप यही गरीब लोग मिले हैं जी।
जी 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 तो सर, हमें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप काशी आ रहे हैं, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसाया हुआ नगर है। आप गंगा आरती में भी भाग लेंगे, तो आपकी दृष्टि तो व्यापक है श्रीमान जी। न्यायमूर्ति तो व्यापक दृष्टि रखता है, वह केवल डेढ़ फुटवा नहीं होता है सर की, केवल पेपर देखेगा और यहाँ से यहाँ तक नापने पर डेढ़ फुट होगा, वह तो व्यापक दृष्टि रखता है। जी 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 नहीं नहीं सर, हम बहुत डरते डरते फ़ोन किए हैं आपको। बहुत अच्छा जी जी अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय एक मंच है। अच्छा, आम आदमी भी अपनी बात कह सकता है वहाँ। जी 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 अच्छा, मतलब सामान्य व्यक्ति भी अपने पत्र भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। वाह सर, आप कितने अच्छे हैं, रियली मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे बात करके। और सामान्य व्यक्ति, जी 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 हाँ, कहीं नहीं सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही। जी हम तो पत्र भेजते रहते हैं, रिसीव कराते हैं श्रीमान जी, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं कंटेम्प्ट न हो जाए, अवमानना की कार्यवाही न हो जाए। जी जी नहीं, आप हैं तो डर किस बात का। जी तो ठीक है सर, हम आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते, आपको हम ऐसे कह भी नहीं सकते कि आ रहे हैं तो देख के ही जाइए, लेकिन आप स्वयं विवेकशील हैं। हम तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब से बात कर रहे हैं ना, तो हमने कह दिया, हमारी बात सुनी गई, तो मैं मान रहा हूं कि इस पर एक्शन भी होगा। जी हाँ जी हाँ, प्रयागराज भी, प्रयागराज में भी नाले वैसे ही गिर रहे हैं, बहुत बार दिखाया है। और सर जी, बिहार के पटना में भी, कानपुर में भी दिखाया है, वहाँ भी। हाँ 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 जी अच्छा अच्छा, ऋषिकेश, ऋषिकेश में हम और डॉक्टर कमल टावरी, जो हमारे यहाँ 49 साल पहले DM थे, हम लोगों ने नाले में घुस करके सत्याग्रह किया था, वहाँ भी नाले वैसे ही गिर रहे हैं, हरिद्वार में भी गिर रहे हैं। होटल का ऐसे ही गंदा पानी जा रहा है, कूड़े भी डाले जाते हैं। अब हमें विश्वास हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ, 16 जून गंगा अवतरण दिवस के दिन हमने खड़ाऊँ धारण किया था, तब से जूता चप्पल नहीं पहनता हूँ, नंगे पांव रहता हूँ। हमारी अभ्यर्थना आपने ध्यान से सुना और आशा करता हूँ उस पर आप एक्शन भी लेंगे। जी जी विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें, सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपको, काशी आने के लिए हमारी शुभकामनाएँ। जी प्रणाम। दोस्तों, यह थे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ साहब। यह शक्ति हमें भारत के संविधान ने दिया है, यह काल्पनिक फोन था, असली फोन नहीं था, असली फोन हम उन्हें नहीं मिला सकते, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें मिली है, देश के लोकतंत्र के सबसे जो पवित्र ग्रंथ ने दिया है संविधान ने, उसका मैंने इस्तेमाल किया, यानि नाच कर, गा कर, कूद कर, सर मुड़वा करके, वाक और अभिव्यक्ति यानी भाषण दे करके, नुक्कड़ नाटक करके, आप अपनी बात उचित माध्यम तक पहुंचा सकते हैं। हमने कोई धृष्टता नहीं किया, हमने किसी प्रकार का कोई छल भी नहीं किया है। 25-30 वर्षों से लगातार पवित्र गंगा सहित अन्य नदियों के लिए काम कर रहा हूँ जनतांत्रिक तरीके से। आज एक काम मैंने फिर से किया है, DY चंद्रचूड़ साहब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, काशी उनका आगमन हो रहा है, मैं काशी में नहीं हूँ, दूर हूँ, मैं मिल भी नहीं सकता, प्रोटोकॉल नहीं है मिलने का, तो मैंने अपनी बात जनतांत्रिक तरीके से उन तक और देशवासियों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ वैश्विक रूप से जुड़े हुए जो हमारे आदरणीय मित्र हैं सभी तक अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, सादर नमस्कार।